एवरीवन, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं ये सूटकेस बनाई हूँ, फैब्रिक सूटकेस है ये हमारा। देखिए बहुत बड़ा बनकर रेडी हुआ है, बनाने में बहुत इजी है और बनने के बाद देखिए ये हमारा पूरा सूटकेस जैसा ये लुक देता है, कितना प्यारा ये बनकर रेडी हुआ है। ये घर के जींस पैंट से ही मैं इसको बनाई हूँ। अंदर ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा है, इसमें मैं दो रनर डाली हूँ। बनने के बाद ये बहुत प्यारा रेडी हुआ है। ये इसमें हम कुछ भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, साड़ी सूट फिर भी अपने अकॉर्डिंग हम इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये हमारा हैंडल है ये। तो इसको सीखने के लिए मेरे वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना सीख। इसको बनाने के लिए इस तरह से मैं कपड़ा ली हूँ। ये हमारा जींस फैब्रिक है, डेनिम फैब्रिक, इसको मैं कट करके ज्वाइंट कर ली हूँ। ये हमारा दो पैर का लेग का ये पीस है, इसका मेजरमेंट एक साइड से 32 है और एक साइड से ये 24 है। हमको बीच में मार्क करना है, बीच सेंटर इसका निकालेंगे, इसके बीच में इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, इस तरह से बीच में फोल्ड करेंगे। और इसका मिड सेंटर हम निकालेंगे, तो हमारा इधर ये मिड सेंटर का मार्क लगेगी और इसको हम सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस पर बीच से। से जब ये हमारा लाइन ड्रॉ हो जाएगा तो हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे लंबाई में। और बीच से हम 6 इंच पर मार्क करेंगे इधर, और इस मार्क को सीधा हम एक साइड से ऊपर तक ले जाएंगे। इधर भी 6 इंच पर मार्क करेंगे और इसको लाइन ड्रॉ करके इसको कट कर लेंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको कट करके निकाल देंगे। यहाँ से कट कर लेंगे तो ये वाला पीस हमारा निकल जाएगा। अब दूसरे कॉर्नर पर हम 6x6 का पीस बनाएंगे। इस तरह से एक कार्डबोर्ड लेंगे, ये 6x6 का ही कार्डबोर्ड है, उसी माप से मैं इसको कटिंग की हूँ। और इसको कट करके निकाल लेंगे, इस कॉर्नर वाला पीस को कट करके निकालेंगे और इसको कट करके निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये कटिंग हो गई है। अब हम इसके नीचे लाइनिंग का कपड़ा इसी नाप से कट करेंगे और अंदर इस तरह से एक प्लास्टिक लेंगे, इसको भी इसी नाप से कट कर लेंगे। और ये लाइनिंग का कपड़ा है नीचे, इसको भी इसी नाप से हम कट करके फोल्ड कर लेंगे, यानी इन तीनों को एक साथ कट एक जैसा कट करके इस पर स्टिच कर। फ्रेंड्स, मैं इसी साइज का ये लाइनिंग का कपड़ा और अंदर ये प्लास्टिक के बोरी कट करके मैं साइड से स्टिच कर ली हूँ और इस पर इस तरह से फोल्ड कर ली हूँ। और इधर मैं स्टिच कर ली हूँ, यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर शेप में ये इसको स्टिच कर ली हूँ ताकि हमारा आराम से इस तरह से बनकर रेडी होगा। अब हम यहाँ हैंडल लगाएंगे, तो इस तरह से
फैब्रिक बनाएंगे, ये 1 इंच लगभग इसकी चौड़ाई है और 13 इंच इसकी लंबाई है। यहाँ से हम नीचे 3 इंच पर मार्क करेंगे, यहाँ से और इधर भी, और इसको इस तरह से हम रखकर स्टिच कर लेंगे, यहाँ से इस तरह से स्टिच कर लेंगे, दोनों पर इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये हमारी हैंडल इसमें अटैच हो गई है। अब हम इसको पीछे पलटेंगे और इसको इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको स्टिच करेंगे और इसको इस तरह से स्टिच करेंगे। जब ये हमारा स्टिच हो जाएगा, ये दोनों साइड इस तरह से पट्टी लेंगे, 1.5-2 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और इसको इस तरह से रखकर स्टिच करके पीछे फोल्ड करके इसको स्टिच कर लेंगे, दोनों साइड पट्टी से फिनिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं स्टिच कर ली हूँ। अब हम ये पूरा इधर हम बॉर्डर लगाएंगे, इस तरह से पट्टी लेंगे, इसको डबल फोल्ड करके पीछे से स्टिच करेंगे पूरा यहाँ तक, और फिर इसको आगे करके इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, इस पर एक स्टिच कर लेंगे यहाँ तक। फ्रेंड्स, हमारा ये पाइपिंग इसमें लग गई है। अब हम इस पर पाइपिंग लगाएंगे। पहले हम इसको इस तरह से इसको यहाँ से यहाँ तक इसको एडजस्ट करके हम इधर मार्क कर लेंगे और इधर भी हम यहाँ से इसको इस तरह से पकड़कर यहाँ तक इसको मार्क कर लेंगे और इस पाइपिंग को इस तरह से लगाएंगे। इधर भी ये जो मार्क किया हुआ है, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक इसको ख़त्म करेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करके आगे या पीछे किसी साइड से आप लगा सकते हो। यहाँ से स्टिच करते हुए हम पूरा यहाँ तक इसको फिनिश करेंगे और फिर पीछे साइड मोड़कर इसको एक बार इधर से स्टिच करेंगे, फिर पीछे इसे मोड़कर पीछे भी स्टिच कर लेंगे इस तरह से। देखो फ्रेंड्स, हमारा इधर भी ये पाइपिंग लग गई है। अब हम इसमें ये जिप लगाएंगे। तो इस तरह से पहले हम बीच में सेंटर में मार्क करेंगे यहाँ, और इधर भी बीच में सेंटर मार्क करेंगे और इस जिप को हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये पूरा हमारा स्टिच करते हुए यहाँ तक ये फिनिश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक साइड हमारा ये जिप इसमें अटैच हो गई है और ये जो हमारा बीच का ये सेंटर है और इसका ये बीच का सेंटर है, इसको हम इस तरह से पिन लगाकर इसको इस तरह से पिन लगाएंगे और ये एक पार्ट को हम यहाँ से निकालेंगे बाहर। और इसको हम इसमें स्टिच करेंगे, इसको नीचे कर यहाँ हमारा जो ये मार्क है, यहाँ से हम इसको इस तरह से स्टिच करेंगे पूरा यहाँ तक हमारा ये
स्टिच होगा नीचे के साइड जिप रख कर हम स्टिच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये दोनों पर जिप लग गई है। अब हम ये वाला बीच और ये वाला बीच इस तरह से मिलाएंगे और इसको इस तरह से बराबर करके पिन से इसको अटैच कर देंगे और इस तरह से बराबर करते हुए हम यहाँ से एक रनर डालेंगे और इधर भी बराबर करते हुए हम एक रनर इधर से डालेंगे। हमारा इसमें रनर दोनों साइड से मैं इसमें डाल ली हूँ। अब हम इसको कि कॉर्नर जो हमारा दो बचा हुआ कॉर्नर था इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और स्टिच करेंगे इधर और इधर स्टिच करेंगे और इस तरह से पट्टी से इसको हम इसको भी इस तरह से स्टिच करके पीछे फोल्ड करके इसको स्टिच कर लेंगे दोनों कॉर्नर। फ्रेंड्स, हमारा ये सब कॉर्नर फिनिश हो गया है। अब हम इसको सीधा करेंगे। फ्रेंड्स, सीधा करने के बाद ये हमारा इस तरह से बनकर ये रेडी हुआ है। अंदर हम साड़ी सूट जो हमारा हेवी साड़ी और सूट होता है हम इसमें रखकर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो बहुत प्यारा बनकर रेडी हुआ है। ये इसका बाहर का ये है लुक, देखिए बाहर का। कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।